हेलो एवरीवन, क्लास फोर्थ चैप्टर नंबर सिक्स फ्रैक्शंस एंड एक्सरसाइज सिक्स ई एक्सरसाइज। एवरीवन, जो सिक्स ई एक्सरसाइज का ए पार्ट है, दिस इज बी पार्ट, राइट, दिस इज बी पार्ट ऑफ सिक्स ई एक्सरसाइज। जो ए पार्ट है वो बुक पर करना है, दैट इज वेरी इजी। ठीक है, जब आप बी पार्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा ए पार्ट कैसे करना है। सो इन दिस एक्सरसाइज वी विल लर्न हाउ टू एड फ्रैक्शन नंबर्स, राइट, फ्रैक्शनल एडिशन कैसे करते हैं। जैसे इफ यू वन कंडीशन, वन मोर कंडीशन इज ऑल्सो हियर, इन दिस डिनोमिनेटर इज सेम, राइट, जो डिनोमिनेटर हमारे पास है वो सेम है। इन हायर क्लासेस यू विल सी जो डिनोमिनेटर है वो भी डिफरेंट होता है, बट अगर डिनोमिनेटर सेम है सो वेरी इजी सिंपल। हमने डिनोमिनेटर अगर यहाँ पे 1/4 प्लस 2/4 है, डिनोमिनेटर सेम है, उसे हम सिंगल करके नीचे लिखेंगे और ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर देंगे, सिंपल। लाइक 1 + 2 इज 3, सो दिस इज 3/4। सिमिलरली यहां पर डिनोमिनेटर सेम है, 2/7 + 3/7 इट विल बिकम 2 + 3 5/7, राइट। सो नीचे वाला नंबर वही रहेगा, ऊपर वाले नंबर्स को हम ऐड कर देंगे, सिंपल। ऑल क्वेश्चंस आर सेम, 4/15 + 6/15, 4 + 6 = 10, सो इट विल बी 10/15, 3/19 + 2/19, 3 + 2 दिस इज 15, 15/19, 2/9 + 4/9 दिस इज 6/9, 12/23 + 5/23 दिस इज 17/23, राइट। सो इफ डिनोमिनेटर इज सेम, सिंपल डिनोमिनेटर को हम यहां पर लिख के ऊपर वाले न्यूमिरेटर्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। 5 + 9 14/21, 7/16 + 8/16 this will be 15/16, 3/9 + 1/9 will be 4/9, 5/14 + 6/14, denominator same, 5 + 6 = 11, 11/14, and also in three numbers, हमारे पास चाहे 3, 4, 5 जितने मर्जी numbers हो, अगर हमारे पास denominator same है, here we have three numbers, three fractions, 1/8 + 3/8 + 2/8, denominator is same, सिंगल डिनोमिनेटर करके ऊपर वाले हम न्यूमिरेटर्स को ऐड कर देंगे, 1 + 3 + 2 इट विल बिकम 6, सो दिस आंसर इज 6/8। सिमिलरली हेयर इन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिनोमिनेटर सेम 15, ऊपर वाले नंबर्स को ऐड करेंगे इट विल बी 13 13/15, राइट। तो बहुत इजी है 6E एक्सरसाइज, सिंपल, डिनोमिनेटर सेम है सब में, एंड इट्स 13, 14 and 15 क्वेश्चन आर योर होमवर्क। सो लेट्स डू 6F एक्सरसाइज। सो हेयर वी हैव 6F एक्सरसाइज, 6F एक्सरसाइज भी एवरीवन बिल्कुल 6E एक्सरसाइज की तरह ही है, बट हेयर वी हैव सब्ट्रैक्शन, राइट। तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन करनी है और सेम डिनोमिनेटर सेम है ऑल क्वेश्चंस में, सिर्फ F एक्सरसाइज का ये A पार्ट है, B पार्ट आप लोग बुक पर करोगे और वो भी बहुत ईजी है, ठीक है। तो A एक्सरसाइज, सॉरी 6F एक्सरसाइज का A पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव 9/13 - 5/13। Everyone, as we have done in previous sums, denominator same है, 9 - 5 = 4, so we will write 4/13। Same जैसे पिछले questions में हमने addition किया था, यहाँ पे हम subtraction करेंगे, okay? तो 3 - 1, denominator same रहेगा, 3 - 1 = 2, it will be 2/11, 5/17 - 3/17, 5 - 3 = 2, it will become 2/17, 11 - 7 = 4/15, 9 - 5 = 4/22। डिनोमिनेटर सेम रखना है एवरीवन, याद रखना है, 7/11 - 5/11 इट विल बिकम 2/11, एंड 15 - 14 = 1, सो इट विल बिकम 1/23, 7 - 5 = 2 इट विल बिकम 2/12, याद रखना है डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, राइट। 8 - 17 - 5/17 = 3/17, 9 - 5 = 4, 4/14, 8 - 5 = 3, 3/18, and in last 15/24 - 7/24 will become 15 - 7/24, it will become 8/24. Hence, our 6F exercise is also complete, right? 6E and 6F exercise दोनों हो गई हैं, 6E exercise का B part और 6F exercise का A part हम लोगों को copy पे करना है, right? So, in next exercise, we will do in the next video. Thank you so much. If you want to subscribe, if you want to see previous videos, you can subscribe my channel, Mathematics Prasha. Thank you so much, everyone.